बिहार में इन दिनों अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की हो रही है चर्चा तो वो है छठे चरण का शिक्षक नियोजन। 90,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद भरे जाने हैं, करीब 3 साल से प्रक्रिया चल रही है। अब काउंसलिंग के समय इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि जब जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जिनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिए गए हैं, और शिक्षा विभाग की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना सर्टिफिकेट्स की सही तरह से जांच कराए हम किसी को नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, तब ये मामला एक बड़ा मोड़ ले रहा है। आपको दिखाते हैं, हम इस वक्त खड़े हैं निगरानी के दफ्तर के पास, और आपको याद दिलाते हैं कि निगरानी फर्जी सर्टिफिकेट्स की जाँच वर्ष 2015 से ही कर रही है, यानी 6 साल बीत चुके हैं, और उन फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले शिक्षकों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। और यही वजह है कि जो जांच की बात शिक्षा विभाग अभी कह रहा है, उस जांच को लेकर के संशय की स्थिति है। जो 38,000 अभ्यर्थी अब तक चयनित हुए हैं, उनके मन में कि जो जांच की बात की जा रही है और जिस पर अब तक शिक्षा विभाग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि जाँच किस तरह से होगी, किस तरह वो TET की जाँच करवाएंगे। TET के लिए तो एक तरीका है कि आप DigiLocker के थ्रू बैठे बैठे जांच कर सकते हैं कि किसी का सर्टिफिकेट सही है या गलत, लेकिन बाकी सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स, और खासकर जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है DLED का या BED का, उसकी जांच करने में कितना समय लगेगा, इस बात को लेकर संशय की स्थिति है। और इस पर एक बड़ी खबर ये है कि अब तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं ले पाया है कि आखिर किस तरह से जाँच होगी, क्योंकि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के वो सर्टिफिकेट्स हैं, देश की कई यूनिवर्सिटीज़ से जिन लोगों ने ये कोर्स किया है DLED का या BED का, उन सर्टिफिकेट्स की जांच किस तरह से कराएंगे और कैसे किसको जिम्मा दिया जाएगा और कैसे जल्दी हो सके, इसको लेकर शिक्षा विभाग में अभी मंथन चल रहा है। वहीं अब तक जो जांच हुई है वहां मुश्किल से करीब 100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं जिनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। और शिक्षा विभाग की माने तो नालंदा और पूर्णिया के साथ बक्सर ही एक ऐसा ज़िला है जहां अभी तक पुष्टि हुई है कि जहां फर्जी सर्टिफिकेट्स पकड़े गए हैं और कुछ अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि अब तक कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने अभ्यर्थियों पर FIR हुई है, ये आंकड़ा आने में वक्त लगेगा, शिक्षा विभाग इसकी गणना कर रहा है, क्योंकि पूरे बिहार से आंकड़े आने हैं। और अब तक जो जानकारी मिल रही है, शिक्षा विभाग ने TET सर्टिफिकेट्स की जाँच का जिम्मा सभी जिलों को दिया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपना स्तर से TET की जाँच कराएँ, क्योंकि वो सिर्फ ऐप पर DigiLocker के जरिए करना है। बाकी सर्टिफिकेट की जांच को लेकर के अभी मंथन चल रहा है कि किस सिस्टम से, किस तरीके से शिक्षा विभाग उन सर्टिफिकेट्स की जांच कराएगा और उसमें कितना समय तय हो किया जाएगा। यानी एक जो संशय अभ्यर्थियों के मन में है कि जो निगरानी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई सर्टिफिकेट्स की, उस शिक्षा विभाग के जिम्मे अगर सर्टिफिकेट्स की जाँच का जिम्मा है तो उन्हें नियुक्ति पत्र आखिर कब तक मिलेगा। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की तरफ से ये इंतजार है कि कब वो एक सिस्टम बनाता है जिस सिस्टम के थ्रू जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको, उनके सर्टिफिकेट्स की सही तरीके से जांच हो सके और जो सही अभ्यर्थी पाए जाते हैं, जिनके सर्टिफिकेट सही है, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाता है। कैमरा पर्सन उस वक्त के साथ पटना से ET भारत के लिए अमित वर्मा।